और ऊपर से कुछ कुछ गंदगी फेंक देता है, सब मरा उरा, कोई उठाने नहीं आता है, कोई यहाँ पे कोई सही से सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। रोड पे कचरा इस स्तर पे आ जाता है कि ये पूरा जगह ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी शिकायत हो रही। और नगर निगम का कोई आदमी आता है उल्टा उठाने, तो उसी का कर्मचारी उससे मारा पीटी हुआ और ना उठाया ना ले गया कोई कचरा उचरा। नगर निगम यहाँ पे डस्टबिन नहीं रखता, जिसके कारण कचरा रोड पे आ जाता है। पानी था, नगर निगम वाला कोई आता ही नहीं है, और जो छोटा सब कर्मचारी सब है वो सब आके और उल्टा रोड पे बिक के गया पूरा एरिया में। अरे यहाँ इतनी परेशानी हो रही, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, आना जाना रोड तो मुश्किल हो गया है। नमस्कार, मैं हूँ सान्य राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। जैसा कि हम आपको बता दें कि कल गांधी जयंती है और आज 1 अक्टूबर है, और गांधी जयंती के उपलक्ष में पूरे भारत में स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन आज हम लोग ना मन की बात करेंगे ना धन की बात करेंगे, इस कचरे को लेकर बात करने वाले हैं, जनता के मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं कि आखिर इन कचरों के बारे में कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है। हमारी पटना की जनता जो है इन कचरों के ढेर में रह रही है, इन कचरों से परेशान है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, ना गोदी मीडिया सुन रही है, ना विपक्षी नेता सुन रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग? तो चलिए यहाँ की जनता से जानते हैं कि आखिर उनको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है इसकी वजह से, चलिए जानते हैं। अच्छा भैया, ये आपके दुकान के सामने कचरे का ढेर है, आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है? बदबू आ रही है, लोग को कष्ट हो रहा था, पानी पूरा नहीं निकल रहा था, बहुत तरह का प्रॉब्लम है, और ऊपर से कुछ कुछ गंदगी फेंक देता है, सब मरा उरा, कोई उठाने नहीं आता है, कोई यहाँ पे कोई सही से सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। और नगर निगम का कोई आदमी आता है उल्टा उठाने, तो उसी का कर्मचारी उससे मारा पीटी हुआ और ना उठाया ना ले गया कोई कचरा उचरा। अच्छा, ये कचरा कितने दिन से यहाँ पे मौजूद है? 10 दिन से 12 दिन से। पूरा रोड तक था वो तो समेट के कम अंदर करके गया, आदमी को जाने आने में दिक्कत हो रहा था, ये प्रॉब्लम फेस हो रहा था। यानी जिस दिन से स्ट्राइक लगा हुआ है उतने दिन से अभी तक कचरा हटा नहीं है यहाँ से? जी नहीं, जब नहीं उठाया। और पानी था, नगर निगम वाला कोई आता ही नहीं है, और जो छोटा सब कर्मचारी सब है वो सब आके और उल्टा रोड पे बिक के गया पूरा एरिया में। अच्छा, जी इसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? वही बदबू मिल रही है दिन भर, आदमी को कष्ट हो रहा है, आना जाना बंद हो गया है, सब दुकानदारी ठप है। जी क्या? दुकानदारी मेरा नहीं चल रहा है सही से। जी, जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ इनका दुकानदारी भी नहीं चल रहा है। सबसे बड़ा चीज है पब्लिक फैक्टर, पब्लिक रोड पे नहीं निकलेगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, आपका सब कुछ बंद होगा, कॉर्पोरेट से लेके छोटा से लेके बड़ा चीज सब कुछ बंद हो जाएगा। और भी लोग मौजूद है, चलिए उनसे भी बात करते हैं। चाचा, ये आपको क्या क्या परेशानी हो रही है इन कचड़ों की? परेशानी महक इतना दे रहा है कि हम लोग के ठेला लेके इन्हें गैस भेजते हुए आने का मन नहीं करता है, रास्ता आने जाना का नहीं है। तो अभी तक इन कचड़ों को हटाया नहीं गया, क्या हमेशा ये कचरा ऐसे ही यहाँ पे रहता है? ना हमेशा तो नहीं रहता है, नहीं एक हफ्ता से है। अच्छा, एक हफ्ता से हटाया नहीं गया है इसको? यहाँ पे रेगुलर ही रहता है, हमेशा यहाँ पे रेगुलर रहता है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है। ऊपर से नीचे में ट्यूब पाइप्स गया हुआ वो भी फट चुका है, वो पानी दिन भर बहते रहता है। देखिए बारिश हुआ सब जगह तो सूख गया, यहाँ पे क्यों नहीं सूख रहा है? ट्यूब पाइप से पानी गिरते ही रहता है और निकलने का भी साधन नहीं है। ये देख लीजिए, पहले आप कचरा का हालत देखिए कि कितना गंदी तरीके से पूरा फैला हुआ है, पूरा सड़क जाम है, इसकी वजह से पूरा कचरा फैला हुआ है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, लोग आ भी नहीं पा रहे हैं, जा भी नहीं पा रहे हैं, गाड़ियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। आप इस कचरों को देखिए किस तरीके से फैला हुआ है, और पूरे 10 दिन से ये कचरा यहीं पर मौजूद है, और ना ही इसको उठाने वाला है कोई, और ना ही इस पर कोई सवाल खड़ा करने वाला है। और आज हम जनता की बात को आप तक पहुँचाएंगे कि देखिए किस तरीके से पूरा कचरा फैला हुआ है और पटना की जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? अरे यहाँ इतनी परेशानी हो रही है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, आना जाना रोड तो मुश्किल हो गया है, अगर आदमी जाए तो कैसे जाए, इधर से उस पार जाना है, बीच में इतना कचरा पड़ा हुआ। यानी नगर निगम की तरफ से इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? बहुत गंदगी, बहुत गंदगी है, बहुत महकता है। अच्छा, डेंगू वेंगू का भी शिकायत है क्या? शिकायत हो गए थे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पटना नगर निगम को यहाँ पे डस्टबिन रखवाना चाहिए था, जिसके कारण कचरा रोड पे नहीं आए।
रोड पे कचरा इस स्तर पे आ जाता है कि ये पूरा जगह ब्लॉक हो जाता है। इसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी शिकायत हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा गाड़ी जा रहा है, जाम लग गया यहाँ पे कचरे की वजह से, जल जमा हो जाता है, पानी भर जाता है, बहुत समस्या, बहुत तकलीफ जनता को झेलना पड़ता है। नगर निगम का कोई भी काम नहीं होता है, वार्ड पार्षद के द्वारा कोई काम नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ पे लाइट भी नहीं जलता। ये लाइट आप देख सकते हैं दिन भर जलते रहता है, इसका ये ना बंद होता है, ना कुछ होता है, ना कचरा हटता है, ना कचरा वाली गाड़ी आती है, ना डोर टू डोर सर्विस होती है, कुछ नहीं होता है। जो घर में कचरे मौजूद होते हैं वो आप लोग किस तरह से फेंकते हैं? जो कचरा घर पे मौजूद होता है वो कचरे वाली गाड़ी यहाँ पे आ ही नहीं पाती है, इसलिए सारा कचरा यहाँ पे जमा होता है। नगर निगम यहाँ पे डस्टबिन नहीं रखता, जिसके कारण कचरा रोड पे आ जाता है। और दूसरी बात, सबसे पहले तो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह अभी कॉलर ट्यून आ रही है कि भाई 2 अक्टूबर आ रहा है, गांधी जयंती आ रहा है, तो स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान, लेकिन स्वच्छता आपके सामने है, आप देख सकते हैं यही स्वच्छता है। और सरकार जो है सिर्फ कॉलर ट्यून पे पैसा खर्च करती है कि स्वच्छ करना है, स्वच्छ करना है, लेकिन स्वच्छता का मिसाल आप देख सकते हैं आपके आँख के सामने है। जी, तो आज जैसा आप सुन रहे हैं कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे स्वच्छता के लिए सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार को पड़ी ही नहीं है कि पटना की जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन कचड़ों की वजह से। इन लोगों का कहना है कि ये सड़क है, जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क पूरा जाम हो जाता है कचड़े की वजह से, कचड़ा पूरा फैला रहता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। अभी ऐसा कंडीशन हो गया था कि लोग आ नहीं पा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, तो कचड़े को साइड में किया गया है, बाकी हमेशा ये कचड़ा इसी तरह से फैला हुआ रहता है, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है, लोग अच्छे से जा नहीं पाते और हमेशा उन लोगों को अपने बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कभी चिकनगुनिया, कभी मलेरिया, कभी डेंगू और ऐसे कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बिहार संवाददाता में फिलहाल के लिए।